हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक सुंदर सा पैटर्न बनाने जा रहे हैं जो बच्चों के स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको बनाने के लिए आपको 5+3 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और डिजाइन का एक लेयर 8 सिलाइयों में बनकर पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर सुंदर सुंदर डिजाइन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डिजाइन का एक नया लेयर बनाना शुरू करते हैं। ये किनारे का एक फंदा निकाल लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा ऊपर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3 धागा ऊपर ही रहेगा और ये 5 फंदे स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा ऊपर ही रहेगा और 5 फंदे स्लिप करेंगे। धागा ऊपर ही रहेगा और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये किनारे 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये पहली सिलाई पूरी हो गई। अब ये दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, इसमें कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो इसको हम बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी हो गई। अब यह तीसरी सिलाई है, इसको भी इसी तरह रिपीट करना है पहली सिलाई की तरह। ये किनारे का फंदा निकाल लेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा ऊपर करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह यही क्रम दोहराएंगे। ये 5 फंदे स्लिप करेंगे। ये तीसरी सिलाई पूरी हो गई। अब ये चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई, ये पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो इसको हम बुन लेते हैं, उल्टी सिलाई। ये चौथी सिलाई भी पूरी हो गई। अब 2 सिलाई और इसको बनाना है, उसके बाद से तब इसको बांधना है। तो ये 5वीं सिलाई है। किनारे का फंदा निकालेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा ऊपर और यही रिपीट करेंगे। जो ये पहली और तीसरी सिलाई में रिपीट किए हैं उसी को रिपीट करना है। तो इसको हम कर लेते हैं। ये 5वीं सिलाई पूरी हो गई। अब ये 6ठी सिलाई, उल्टी सिलाई, ये पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे उल्टी तरफ से। तो इसको हम बुन लेते हैं। देखिए, ये 6ठी सिलाई भी पूरी हो गई। ये इस तरह से बनता है। और इसके बाद से अब ये 7वीं सिलाई, देखिए इसमें क्या करना है। ये जो 3 उल्टा बुने हैं इसको हम सीधा बुनेंगे, तीनों फंदे सीधे। और ये 2 इसमें से लेंगे जो सीधा बुने स्लिप किए थे, ये 5 फंदे हो गए। अब यहाँ से ये तीसरे फंदे पर, 2 फंदे इधर आ गए हैं सीधे, अब तीसरे फंदे में अब इसमें से नीचे से सिलाई लगा करके और इस फंदे पर ऐसे फंदा बुनेंगे और इसके नीचे से इसको निकालेंगे, इसको बांध देंगे। और फिर ये 2 फंदे इसमें के बचे हैं स्लिप में के, इसको बुन देंगे। और ये 3 फंदे जो उल्टे थे इसको भी हम सीधा ही बुनेंगे, यानी ये 7वीं सिलाई सीधी ही बुननी है। ये 2 फंदे हम सीधे इसको बुन लें। ये तीसरे फंदे पर जो 5 फंदे हैं इसमें के 2 फंदे बुन लिए और ये तीसरे वाले फंदे पर ये नीचे से सिलाई लगा करके और इसमें इस तीसरे वाले फंदे पर ऐसे बुनेंगे और इसके नीचे से इसको निकालेंगे। और ये सभी फंदे जो भी हैं उनको सीधे बुन देना है। ये 3 उल्टे हैं इसको भी सीधा बुनना है और ये किनारे का 2 फंदा इसको भी सीधा बुन देना है। ये देखिए, ये बंद करके ऐसे दिखेगा।
तो ये आठवीं सिलाई है, उल्टी सिलाई। इसको पूरा उल्टा बुनेंगे। इसको हम बुन लेते हैं। ये देखिए, ये तीसरा लेयर भी बन के पूरा हो गया। ये आठ सिलाई में पूरा हुआ है। अब यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, लेकिन रिपीट में इसमें अब डिजाइन हमको यहाँ तीन फंदे बनेंगे और दो फंदे इसमें के और दो फंदे इसमें के मिला करके पांच फंदे यहाँ पे स्लिप किए जाएंगे। यानी एक बार हम डिजाइन इधर बनाएंगे और एक बार इसमें से दोनों में से फंदे लेकर के इधर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।